साथियों, जैसा कि लगभग लगभग काफ़ी सारे किसान भाई धान की रुपाई कर चुके हैं, बहुत सारे किसान भाई खादों का उपयोग भी कर चुके हैं और इसी के साथ साथ अब वो चाहते हैं कि वो एक स्प्रे भी लगा लें कि जिससे कि उनकी फसल में और तेज़ी से ग्रोथ होना चालू कर दे, कल्लों को फुटाव काफ़ी तेज़ी से हो जाए, उनकी फसल हरी भरी रहे। तो इसके लिए वो कौन कौन सा स्प्रे का उपयोग करें जिससे कि उनकी धान की फसल में काफ़ी अच्छी तरीके से फुटाव हो, क्योंकि यदि हम वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स और प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का स्प्रे के रूप में उपयोग करते हैं तो नीचे से दिए गए जो हमारे खाद होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी तेज़ी से रिजल्ट दिखाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट दिखाता है और वेस्ट नहीं जाते हैं, पूरी तरीके से रिजल्ट मिलता है हमारी फसलों को। तो हम ऐसे कौन कौन से वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करा सकते हैं शुरुआती समय में जिससे कि हमारी धान की फसल में अच्छा उत्पादन भी देखने को मिले, कल्लों को फुटाव तेज़ी से हो, जड़ों का विकास वृद्धि तेज़ी से हो, इसके साथ साथ साथियों हमें एक अच्छा उत्पादन आगे चल करके धान की फसल से पिछले वर्ष के मुकाबले देखने को मिले और हमारा खर्च भी ज़्यादा ना है। क्योंकि यदि हम प्रिवेंटिव रूप से फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर लेते जैसे कि एनपीके जो हमारी फसल को बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है किसी भी उत्पादन के लिए, तो इनका उपयोग शुरुआती समय में ही कर लें, पहले से कर लें, तो इनकी कमी भी नहीं होगी, हमारी धान की फसल अच्छी तरीके से चलती रहेगी, विकास करती रहेगी और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो साथियों हमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स लेना है इसके बारे में हम आज इसके इस वीडियो में पूरी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान भाई तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिससे उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए साथियों अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें लेना होगा वो लेना होगा डाउ कंपनी का ह्यूमिक सेल जो आता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जो कि ह्यूमिक एसिड बेस्ड ह्यूमिक सेल आता है। इसमें ह्यूमिक एसिड लिक्विड में दिया गया हुआ है यानी कि घोल में दिया जाता है जिससे कि हमारी फसलों पर पड़ते ही तुरंत ही यह रिजल्ट दिखाना चालू कर देती है। यह एक वाटर सोल्यूबल टॉनिक होता है जो कि साथियों पौधे के वृद्धि विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके स्प्रे करते ही आपकी धान की फसल में 7 से 8 दिनों में ही काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्दी रूप से धान की फसल में कल्लों को फुटाव होना चालू हो जाएगा। एक एक पौधे से काफ़ी तेज़ी से काफ़ी भरपूर मात्रा में कल्लों को फुटाव होगा। जितना आप खाद जो है ज़मीन के माध्यम से देते हैं उससे दोगुना मात्रा में आपका कल्लों को फुटाव होगा साथियों, क्योंकि पत्तियों पर स्प्रे करते ही तुरंत रिजल्ट इसका दिखना चालू कर देता है। तो साथियों ह्यूमिक एसिड का तो आप रिजल्ट समझ ही गए होंगे, बहुत सारी कंपनियाँ ह्यूमिक एसिड बनाती पर आप कोई ब्रांड कंपनी का लें तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसमें सबसे ऊपर डाउ का ह्यूमिक सेल काफ़ी सारा फेमस है जो कि काफ़ी सारे किसान भाई जानते हैं, दुकानदार भाई जानते हैं और हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगा। तो डाउ का ह्यूमिक सेल लेना होगा। अब इसकी डोज की बात करें साथियों तो 40 ml प्रति 15 लीटर पंप हमें स्प्रे के रूप में उपयोग करना है, तभी अच्छा बेहतर रिजल्ट शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया साथियों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हमारी धान की फसल की ग्रोथ के लिए। अब साथियों इसके साथ हमें दूसरा ऐसा कौन सा उपयोग करना है जिससे कि हमें जो है एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश की हमारी फसल में बराबर मात्रा में पूर्ति हो सके, आगे चल करके इसकी कमी देखने को फसल में ना मिले और इसके साथ साथ अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिले। तो साथियों इसके साथ हमें लेना होगा एनपीके 20-20-20 जो कि एरिस्का माइक्रोफर्ट नाम से भी आता है, आप जानते ही होंगे। इसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और 20% पोटाश दिया गया है यानी कि तीनों की मात्रा 20-20-20% में दी गई है। तो आप इसका उपयोग जरूर से ज़रूर करें। साथियों इसकी डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको लेना होगा। यदि 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आप अपने खेतों में जो है एनपीके 20-20-20 को 200 लीटर 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे लगवा देते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ फसल काफ़ी तेज़ी से ह्यूमिक एसिड को मिला करके ग्रोथ करेगी। इसके साथ साथ साथियों विकास होगा जड़ों का, पौधे जो है अधिक से अधिक कल्लों का फुटाव लेंगे, लंबे समय तक हरी भरी रहेगी। और इसके साथ साथ शुरुआती समय में आप देखते होंगे कि जो खैरा नामक बीमारी है जिसे राष्ट्र भी कह सकते हैं आप, ये काफ़ी सारे किसान भाइयों के खेतों में लग जाती है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनके खेतों से यह सही नहीं होता है। फिर लगने के बाद बहुत सारे फंजीसाइड्स का उपयोग कर लेते हैं पर कोई बेहतर खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो साथियों इसके लिए आपको सबसे पहले शुरुआती समय में उपयोग कर लेना बायर कंपनी का जो एंट्राकॉल फंगीसाइड आता है इसे, या कई सारे मामलों में काफ़ी दूसरे फंजीसाइड से बेहतर है धान की फसल के लिए, क्योंकि साथियों यह प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स का भी काम करता है क्योंकि इसमें जो है जिंक बेस या फंगीसाइड है आपका, इसमें जिंक की मात्रा दी गई है जिससे कि फसल कालेपन में रहेगी, जिंक की कमी नहीं होगी, जिंक की कमी से रस्ट जैसी खतरनाक बीमारी होती है जिसे आप खैरा भी कह सकते हैं उससे आप बचे रहेंगे। साथियों एंट्राकॉल अन्य कई सारे फंगस जनित बीमारियों को भी कंट्रोल कर लेता है तो इसकी मात्रा आपको 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़ लेनी होगी। तो यह जो है इसको उपयोग कर लेते हैं तो एक साथ कई प्रकार के फंगस जनित बीमारियों को यह आसानी से कंट्रोल कर लेगा। तो साथियों आपको इन तीनों को अच्छी तरीके से स्प्रे करना होगा। अब फिर से मैं आपको एक बार डोज दोहरा दे रहा हूँ, आपको ह्यूमिक सेल जो आता है ह्यूमिक एसिड उसे लेना होगा 40 ml प्रति 15 लीटर पंप, इसी के साथ आपको 80 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप एनपीके 20-20-20 लेना होगा। साथियों इसी के साथ साथ आपको जो एंट्राकॉल फंगीसाइड
हर्बिसाइड हमारा आता है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप, इसको लेना होगा। यदि इन तीनों को जो मैं 15 लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, इन तीनों को आपस में घोल करके साथियों, पहली बात तो आपको अलग अलग घोलना है, फिर इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद सुबह या शाम के समय आपको खेत में नमी रहना चाहिए, उसी टाइम स्प्रे लगा देते हैं। तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपकी धान की फसल में मात्र 10 से 12 दिनों में काफ़ी तेज़ी से कल्लों को फिटाव होने लगेगा, विकास फसल आपकी करने लगेगी, जड़ों का विकास काफ़ी तेज़ी से होगा, पौधे हमारे लंबे समय तक हरे भरे रहेंगे, किसी भी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी भी देखने को नहीं मिलेगी, इसके साथ साथ फंगस जनित बीमारियां भी देखने को नहीं मिलेगी, हमारी फसल जो है स्वस्थ और सुंदर रहेगी, लहलाती हुई चलेगी, और दूसरे किसान भाइयों के दूसरे खेतों के मुकाबले आपकी फसल हट करके चलेगी, जिससे कि वो भी आपको आकर के पूछेंगे कि आपने क्या स्प्रे किया जिससे कि आपकी धान की फसल इतनी बेहतर तरीके से चल रही है। ये स्प्रे ज़्यादा कोई खास महंगा नहीं पड़ेगा आपका, पर टैंक का खर्चा आपका 100 से 110 रुपये ही आएगा, और इससे किसान साथियों आपको क्या होगा, 10 से 15% आपको पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ थोड़ा तेज़ी से आपकी धान की फसल ग्रोथ करेगी, और सही समय पर आपकी धान की फसल साथियों तैयार भी हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों का बारीक से बारीक चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। धान की फसल में सबसे ज़रूरी काम होता है कि खेतों का निरीक्षण करना, किसी भी बीमारी लगी हो तो उसे आसानी से कंट्रोल करना, फिर उसके बाद साथियों पानी जो सबसे बड़ा रोल निभाती है धान के उत्पादन में, उसको समय समय पर चलाते रहना खेतों में, जब भी पानी की कमी हो तुरंत आप खेतों में चला दीजिए। इसके साथ साथ साथियों हमारी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम रहते हैं NPK यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का लास्ट तक कमी ना होने देना, किस समय पर कौन सी खादों का उपयोग करना है उसके बारे में साथियों आप जो है जानकारी रखिए। बुआई के समय पर आप पोटाश का, बुआई के समय पर आप DAP का उपयोग करिए। इसके साथ साथ जब बुआई हो चुकी हो, जब आपकी धान की फसल लगान पकड़ने लगे, जिसके साथ साथ जड़ों का विकास होना चालू हो, तो आप यूरिया का उपयोग कीजिए। फिर उसके बाद जब बालियां आने का समय हो तो उस समय पर आप पोटाश का उपयोग कीजिए। यदि इस तरीके से आप उपयोग करते हैं धान की फसल में फर्टिलाइजर्स को, और जैसे मैंने आपको स्प्रे बताया इस तरीके से स्प्रे शेड्यूल लगते हैं, तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ पिछले वर्ष के मुकाबले आपके धान की फसल में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, फुटाव देखने को मिलेगा, उत्पादन में वृद्धि विकास देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छे किसान साथियों आप मुनाफा भी धान की खेती से कमा पाएंगे। तो साथियों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान मतलब वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो।